हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन और बायनरी फिजन के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। जो बच्चे छूट गए हैं, जिनको समझ नहीं आया है, वाई बटन पर दिए हुए लिंक पर जाकर के इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, जो बेसिकली होता है मल्टी सेलुलर बेसिक ऑर्गेनिज्म में। जो बेसिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, तो उनके अंदर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे क्लेमीडिया। क्लेमीडिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब ये मैच्योर होने के बाद फ्रेगमेंट में टूटता है, टूटने के बाद सारे फ्रेगमेंट पीसे इंडिविजुअली अलग अलग प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं। रीजेनरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज जेनरेट हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। कहने का मतलब कोई पीस है, उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों ने एग्जांपल प्लेनेरिया में देखा कि जब ये टूटा, टूटने के बाद क्या हो रहा है कि प्रत्येक पीस जो है रीजेनरेट कर रहा है और एक नए प्लेनेरिया में डेवलप कर रहा है। तो रीजेनरेशन लगभग सेम एज फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन एक तरह का एबिलिटी है कुछ एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे क्या होता है, ऑक्टोपस जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास लगभग 8 लिम्स होते हैं। अभी जो ऑक्टोपस है, जब किसी कारणवश कोई एक लिम्स खो देता है, तो इसके पास ये एबिलिटी होता है, या फिर प्रीडेशन के कारण एक लिम्स खो देता है, तो इसके पास ये एबिलिटी होता है कि ये दोबारा रीजेनरेट कर सकता है अपने इस लिम्स को। अभी और इसी एबिलिटी को कहा जाता है रीजेनरेशन। या फिर अदर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लिजार्ड में। लिजार्ड भी एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जब इसका टेल किसी कारणवश या फिर प्रीडेशन के कारण टूट जाता है, इसके बॉडी से अलग हो जाता है, तो ये फिर से वापस रीजेनरेट हो जाता है। जब किसी कारणवश लिजार्ड का जो टेल है वो टूट जाता है, तो ये लिजार्ड के अंदर कैपेसिटी होता है कि टूटे हुए टेल इतना से ये वापस फिर से नया टेल जनरेट कर सकता है टूटने के बाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बडी। बडी नाम से पता चल रहा है बड। बड कहने का मतलब होता है एक उभार, उभार या फिर पौधे की भाषा में इसे कहा जाता है कली कहा जाता है। अब क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें ईस्ट का, ईस्ट में बडिंग होता है, ईस्ट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट जब मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद इसके अंदर बड बनना शुरू होता है। और इसके न्यूक्लियस में इलोंगेशन आना शुरू होता है, कहने का मतलब वो लंबा होता जाता है। और इसके बाद ये क्या होता है, बड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरह से इसके अंदर बडिंग का प्रोसेस जारी रहता है और बहुत सारे नए बड इसके ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, सबसे पहले ये अपने पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहते हैं सेंटर के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। तो जब ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन लेकर के मैच्योर हो जाते हैं, तो ये इंडिविजुअली
अलग हो जाते हैं, अलग अलग, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, टूट जाता है, इस तरह से अलग अलग नए ईस्ट, इसको हम कह सकते हैं डाउटर से ईस्ट का, या फिर डाउटर ईस्ट कह सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो ईस्ट अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होता है, तीनों टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए और अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।